भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक इंदौर, चाहे एजुकेशन हो या टूरिज्म या फिर एक से एक लजीज खाने, इंदौर अपने अंदर सारी चीज़ें लगभग समेटे हुए हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंदौर में कौन कौन सी जगह है घूमने लायक और कौन कौन से वहाँ पर प्लेसेस है जहाँ आप लोग जा सकते हो, और उनके बारे में डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। इंदौर के हिस्टोरिकल प्लेस में शामिल राजबाड़ा, ये होलकर राजाओं द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक इमारत है। ये इमारत 7 मंजिला है, नीचे की 3 मंजिल पत्थर की है और ऊपर की 4 मंजिल लकड़ी की बनी हुई है। हमारे अगले प्लेस में शामिल है गांधी हॉल। गांधी हॉल को एडवर्ड किंग हॉल नाम से जाना जाता था, बट बाद में इसका रीनेम्ड करके गांधी हॉल कर दिया गया। इस इमारत को मध्य प्रदेश के पाटन से लाए गए लाल पत्थरों से बनाया गया है। इस इमारत को कला एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद अगले प्लेस में शामिल है कांच मंदिर। मुख्यतः ये जैन मंदिर है, बट ये टूरिस्ट प्लेस भी है। जैसे ही नाम से आप जान रहे हो कि ये कांच मंदिर पूरा कांच का बना हुआ है, अंदर से सारी चीज़ें इसमें कांच की ही इस्तेमाल में लाई गई है। एंड देन उसके बाद में खजराना में नहर शाह वली की दरगाह है, जो ज़ायरीनों के लिए एक सुकून की जगह है। एंड देन उसके बाद है लालबाग पैलेस। इस जगह को महाराजा शिवाजी राव होलकर ने बनाया था। इसके बाद इंदौर में जो सबसे नियरेस्ट वाटरफॉल है, पाताल पानी। ये सबसे नियरेस्ट वाटरफॉल है इंदौर में, पाताल पानी। यहाँ पर आपको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। जब यहाँ से ट्रेन जाती है ना, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा वहाँ से देखने को मिलता है। और इसके अलावा 56 प्लेस, यहाँ पर आपको जाके बहुत सारे फूड, स्ट्रीट फूड बहुत सारा मिल जाएगा खाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर यार स्टेडियम्स है, क्रिकेट स्टेडियम्स है, होटल्स है, और लगभग सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो यू मस्ट विजिट इंदौर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।